में जब सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी नदी पे पड़ती है तो वो नज़ारे वाकई एक अलग अनुभूति देते हैं। चीज़ें जो है, ये जो दृश्य है, इस तरीके का जो समय है वो ऐसा है ही नहीं जो एक्सप्लेन किया जा सके। हमारी सरकारों के प्रयास से देश के लगभग हर घाट ऐसी ही हालत में है। साथियों, तो मैं नितिन मिश्रा, ऐसा देश है मेरा के हमारी इस कड़ी में जबलपुर की इस सीरीज़ में जो ये हमारा भाग है वो बेहद ही खास है। बेहद ही खास क्यों? हम आए हैं जबलपुर की पहचान माँ नर्मदा के घाट पर। और अगर बात करूँ माँ नर्मदा के घाट की, तो यहाँ पर जो सबसे फेमस घाट है वो है ग्वारी घाट। और इस समय हम ग्वारी घाट पर ही खड़े हैं। ग्वारी घाट पे आने का, वो भी दिसंबर के समय, वो भी दिन में, क्योंकि यहाँ तो नर्मदा आरती भी होती है, आरती के टाइम हम क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि ये समय है बाहर के पक्षियों के आने का। मतलब ये समय नहीं, ये जो टाइम होता है सर्दियों का, इस टाइम पे खासकर सर्बिया के पक्षी यहाँ पर आते हैं। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही मनोरम बनाती है इस घाट के दृश्य को। और दोपहर में जब सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी नदी पे पड़ती है तो वो नज़ारे वाकई एक अलग अनुभूति देते हैं। तो हमारा प्रयास ही रहता है कि हम देश की वो झलक आपको दिखाएं जो आपको रोमांचित कर दे कि हमारे देश में इतनी इतनी बेहतरीन चीज़ है और हमने इतनी इतनी बेहतरीन चीज़ मिस कैसे कर दी। एक चीज़ जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, सिर्फ बनारस के घाट ही साफ़ सुथरे नहीं, आज की डेट में हमारी राज्य सरकारें, हमारी सरकारों के प्रयास से देश के लगभग हर घाट ऐसी ही हालत में है। इतनी अच्छी हालत में, इतनी साफ़ सफाई आप देखिए, मतलब आप कहीं भी नहीं कह सकते कि ये वो भारत है जहां पर कहा जाता था कि हम साफ़ सुथरे नहीं हैं। आप देखिए हमारे जो घाट हैं, हमारे घाटों को वैसा ही सम्मान दिया जा रहा है जैसा सम्मान वो डिज़र्व करते हैं। और मेरे ठीक सामने आप देख रहे होंगे, ये है माँ नर्मदा का ग्वारी घाट। और सामने बाहर से आए सर्बियन बर्ड्स, और एक अलग ही प्रकार का एहसास है। तो एकदम करीब से देखेंगे, कुछ लोकल से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या उनके अनुभव रहे हैं इन पक्षियों से रिलेटेड, इस नदी से रिलेटेड। नर्मदा हमेशा बहुत साफ़ सुथरी रही है। और घाट की बात करूं तो एक अच्छा ही नज़ारा है यहाँ पर, भोले बाबा का शिवलिंग।
तो एक अद्भुत नज़ारा, और यहाँ पर कुछ कहने को बनता ही नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसा क्या कहें, ये चीज़ें जो है, ये जो दृश्य है, इस तरीके का जो समय है, वो ऐसा है ही नहीं जो एक्सप्लेन किया जा सके। आपने DDLJ पे देखा को आओ आओ, और यहाँ हम खाओ खाओ कर रहे हैं। तो हम लोग एक चीज़ मतलब नोटिस करते होंगे, और ये मैंने नोटिस किया तो जाहिर सी बात है आपने भी नोटिस की होगी, कि हर शहर में कोई ना कोई ऐसा चौक होता है जहाँ पर पक्षियों को दाना खिलाया जाता है, और वहाँ पर इतने सारे पक्षियों के दाने पड़े रहते हैं, कोई खाए ना खाए नहीं पता। पर इस तरीके की जगहों पर या इस तरीके के नज़ारे में जो भी हम देख रहे हैं, देखिए आप, जो भी दाना हम दे रहे हैं ये प्रॉपर खाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसे फेंक के दोबारा रिसेल किया जा रहा है। तो इस तरीके का एहसास आपको साल में सिर्फ चंद महीनों के लिए या एक दो महीने के लिए मिलता है। तो आप ऐसी हर उस जगह जाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा तो देश ही अतिथि देवो नमः है, और ये हमारे अतिथि हैं, ये हमारे देश के पक्षी नहीं हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी सेवा करें। हाँ जी, चलिए बैठिए। तो महेंद्र, तो महेंद्र कितने सालों से इस घाट पे हैं? हमको तो काफ़ी समय हो गया, काफ़ी बचपन ही बीत गया। अच्छा, पूरा तो कुछ इस घाट के बारे में बताओ यार।